नमस्कार। आज तक डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हमारे साथ जुड़ी हैं नेहा सिंह राठौर, लोक गायिका हैं। मैम, आप सबसे पहले शुरुआत तो उन दो बोलों से जिसकी वजह से आप अभी अचानक बहुत ज्यादा चर्चा में आ गई हैं। आप पहले से लाइमलाइट में हैं, लेकिन अभी जो चर्चा में आई हैं उसके लिए वो दो लाइनें हो जाए शुरुआत। दो लाइन में सुना देती हूँ। अरे बाबा के दरबार बार धहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा, का यूपी में काबा। तो क्या यूपी में ये जो काबा की बात चली है और इस पे जो आपको नोटिस मिला है, ये आप तक कैसे पहुंचा या पहुंचाया गया आप तक? ये मुझ तक पहुंचाया गया है। सबसे पहले अंबेडकर नगर, जहाँ पे मेरा ससुराल है, वहाँ पे यूपी पुलिस टीम गई जीप भर के, जैसे एक क्रिमिनल को पकड़ने जाते हैं तो उस तरह से गई। मेरे ससुर जी को नोटिस दिया। इसके बाद उनको लगा कि नहीं, बात नहीं बन पा रही है, तो वो कानपुर से आ गए दिल्ली मुझे नोटिस देने। तो आपने देखा होगा, वो ट्विटर पे मैंने अपलोड भी किया हुआ है किस तरह से उन्होंने। पता है, सबसे जो मुझे बुरी लगी है चीज वो ये लगी कि पुलिस ने ना चोरों की तरह व्यवहार किया है, क्रिमिनल की तरह मेरे साथ व्यवहार किया है। वो झूठ बोल करके, महिला पुलिस कॉल करती है मेरे हस्बैंड को और वो झूठ बोलती है कि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट बात कर रही हूँ, और कहती है कि आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए। हिमांशु जी, उनका नाम हिमांशु है जो मेरे हस्बैंड है, आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए। और इस तरह से झूठ बोल करके वो बात करती हैं। फिर जब हमने कॉल इग्नोर किया, फिर से उनका कॉल आता है और वो कहती हैं कि नहीं, हम कानपुर देहात से पुलिस की टीम बात कर रहे हैं, दरोगा जी भी साथ में है, ये वो, आपको एक नोटिस देना है, आप नोटिस रिसीव कर लीजिए। तो इस तरह से झूठ क्या बोलने की जरूरत है? इट्स ओके, आप नोटिस थमाना चाह रहे हो तो आप पुलिस हो, पुलिस की तरह आओ ना, चोरों की तरह क्यों आ रहे हो आप? झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ गई आपको? अच्छा, एक बात जो खास बात ने नोटिस में हमने ऑब्जर्व की और देखा है वो ये है कि नोटिस में ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि कहीं किसी ने कोई शिकायत दर्ज करवाई हो। तो ऐसा क्या, क्योंकि बाद में जो है ट्विटर पे कानपुर पुलिस ने ये देहात, कानपुर देहात पुलिस ने जो ट्विटर पे ऐसा कहा है कि उन्होंने, उनको कोई शिकायत आई थी, तो क्या आपको भी ऐसा कुछ पुलिस ने बताया क्या कि शिकायत किसी ने दर्ज कराई है? नहीं, मुझे ऐसी कोई खबर नहीं है कि मेरे खिलाफ किसी ने शिकायत दर्ज की है। चाहे कुछ लोग तो ये भी, मुझे बहुत जानकारी है नहीं कि कैसे ये चीजें काम करती हैं, कि बिना शिकायत दर्ज किए, बिना एफआईआर हुए आप नोटिस कैसे लेकर के आ सकते हैं, कुछ लोगों का तो ये भी कहना है। अब जो जानकार है, मुझे बहुत आइडिया है नहीं, तो मुझे भी नहीं पता क्यों मुझे नोटिस दिया और इसका क्या प्रोसेस होता है। बस मुझे दे दिया गया है जिसमें ये बात लिखी गई है कि मेरा जो गाना है यूपी में काबा, उसने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करी है, समाज में मेरे गाने से तनाव पूर्ण माहौल क्रिएट हुआ है, सामाजिक वैमनस्यता फैली है मेरे गाने की वजह से, उस नोटिस में लिखा हुआ है। और कानपुर देहात की जो टीम थी पुलिस की, कहीं से कोई ऐसी खबर आई है कि किन्हीं दो समुदायों के बीच में कोई वैमनस्य या तनाव की खबर आई है? वही मैं भी जानना चाहती हूँ कि कहीं पे अगर कोई मामला दर्ज हुआ हो तो जरा मुझे दिखा दो भाई, कहाँ पे ऐसा मामला दर्ज हुआ है। और आप एक बात समझिए, जहाँ पे बहुत सारे मैं देखती रहती हूँ हिंदू मुस्लिम जैसी भड़काऊ, हिंदू मुस्लिम पे बोलने वाले लोग ऐसे रोड चलते बोलते हैं कि मुस्लिम का संहार करो तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा, इस तरह की भड़काऊ बातें करने वाले, सांप्रदायिक दंगे को बढ़ाने वाले जो लोग स्पीच देते हैं उस पे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। और एक लड़की जो बड़े संवैधानिक तरीके से वो भाषा, वो शब्द यूज करती है, तो उनको लगता है कि नहीं, इसने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, अब इसको तो डराओ धमकाओ। तो आपने जो संवैधानिक शब्दों की बात कही है, मैं थोड़ी सी मजाक की बात कर लेता हूँ आपसे बीच में, कि जो पुलिस ने नोटिस में लिखा है उसी सवाल को दोहराते हुए एक तरीके से, कि क्या पुलिस के सवाल के हिसाब से गाने की लाइंस आपकी ही लिखी हुई है? नहीं नहीं, तो मेरे वकील ने मुझे यही कहा है, बड़ा सावधानी बरतने के लिए मुझे कहा है, यहाँ तुम किसी भी प्रश्न का जवाब जो नोटिस में लिखा गया है ना, मैं मत देने की कोशिश करना, क्योंकि ये लोग बड़े बदमाशी से काम करते हैं, ये कब किस मामले को कहाँ से कहाँ कर देंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें तो बस ये लगेगा कि हाँ तुमने तो बस हाँ बोला था, तुमने मतलब बड़ा ट्रिकी तरीके से पूछा है उसमें। और दूसरा कोई स्कोप नहीं है कि आप ये बोल सकते हो कि नहीं मैंने ये गीत ऐसे लिखा, चाहे नहीं लिखा, चाहे हाँ लिखा, बस हाँ बोलो या ना बोलो,
है अथवा नहीं करके, तो बड़ा दिमाग लगा करके पूछा है। तो हमने भी, हमारे वकील ने भी कहा कि थोड़ा आप भी दिमाग लगा लो, जवाब अभी मत दो, कोई कुछ भी पूछे नोटिस का जवाब अभी मत दो, वो मैं दूंगा, वो मैं बताऊंगा कि आपको कैसे जी देना जी है। मेरा अगला सवाल एक्चुअली यही था कि नोटिस के लिए आपने क्या तैयारी की है, आपके वकील आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं, तो उस पर आप कब तक फाइल करने वाली हैं? अब वो नोटिस है उसमें लिखा भी हुआ है कि 3 दिन के अंदर जी नहीं किया तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, तो देखते हैं। वकील से बात लगातार मेरे जो हस्बैंड हैं वो हिमांशु कर रहे हैं, मैं तो इन जी पचड़ों में पड़ती भी नहीं हूँ, मुझे बहुत समझ भी नहीं है। मैं एक थोड़ा सा तल्ख सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके गीत जो हैं वो क्या अक्सर सरकार विरोधी होते हैं, और अगर होते हैं तो ऐसा क्यों, और उसमें भी खास तौर से क्या बीजेपी विरोध लिए हुए होते हैं क्या ये गाने? नहीं देखिए, बात ये होती है ना, मैं बिहार की लड़की हूँ, मैं भोजपुरी भाषी लड़की हूँ, मैं भोजपुरी जी गीत गाता हूँ, तो जब जी भी मैं बिहार के लिए गीत गाती हूँ, यूपी के लिए गीत गाती हूँ, चर्चा बन जाती है, वो चर्चा का विषय बन जाती है। लेकिन जब मैं बंगाल के लिए गीत गाती हूँ, जब मैं दिल्ली के लिए गीत गाती हूँ, तो उस पर कुछ चर्चा ही नहीं होती। मैं तो ये शिकायत आप लोगों से भी करना चाहती हूँ, आप मीडिया के लोगों से भी शिकायत करना चाहती हूँ कि बंगाल में, मैं आपकी शिकायत को पहले ही तोड़ने की कोशिश करता हूं कि दिल्ली के बारे में 4 लाइनें जरा नेहा जी के मुंह से हम सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, अभी दिल्ली में एमसीडी का चुनाव था, मैंने गाया, अरे दिल्ली सहरिया में आपके राजूबा, आपके मन में काला, अरे आपके मन में काला, तय कोर खुलल पाठशाला, दुसर ओर मधुशाला, तोर खुलल पाठशाला, दुसर ओर मधुशाला, इस तरह से गीत वाह मैंने, उसपे कोई आप लोगों ने चर्चा नहीं की। नहीं, ये मेरी शिकायत है आप लोगों से, और मैं सीरियसली जी बोल, आप लोग क्यों नहीं आए मुझसे पूछने कि हाँ नेहा तुम्हारा कोई गाना है, आप लोग तो नहीं है, तो चर्चा नहीं हुई उसकी। बंगाल में चुनाव था तो मैंने गाया। मैं इसकी चर्चा फिर नेगेटिव वे में थोड़ा सा कर लेता हूँ, बंगाल पे आता हूँ उससे पहले कि अगर मान लीजिए दिल्ली से अब आपको कोई नोटिस मिले तब आप क्या करेंगी? नहीं, तभी भी मैं यही कहूंगी आप कि मैं, पाठशाला को, मतलब एक तो मधुशाला को हमारे हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला को फेमस बनाया था, दूसरी तरफ आप पाठशाला के साथ में मधुशाला को फेमस बना रही हैं, दो चीजें आप आपके बारे में कह रही हैं, तो आपका इस पे क्या कहना है? नहीं, आपने अपने नोटिस की बात करी, तो वो भी अगर कोई भी मुझे नोटिस देता तो मैं यही बोलती कि मैं एक लोक कलाकार हूँ, मैं तो अपना काम कर रही हूँ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अभिव्यक्ति की आजादी है, ये मेरा मौलिक अधिकार है, तब भी मैं यही बात कर रही होती। ऐसा नहीं कि बीजेपी की सरकार है यूपी में, यूपी पुलिस ने मुझे नोटिस भेजा तो मैं ऐसी बातें कर रही हूँ, आम आदमी पार्टी की सरकार है इधर, दिल्ली पुलिस मुझे नोटिस भेजेगी तो मैं बोलूंगी बहुत शुक्रिया नोटिस भेजने के, ऐसा मैं नहीं करूंगी, है ना। बाकी हाँ, बाकी वो मैं जो गीत, क्योंकि आप लोग बड़ा मुझसे ये पूछते बंगाल हैं कि वाला जी, बंगला, मैं बंगाल के बोल, लिए। हाँ अरे तोहरे शासन में ऐसन भ्रष्टाचार है, ऐसन भ्रष्टाचार, ये होली का टाइम था जिस टाइम पे बंगाल चुनाव होने वाला था, पिछले साल की बात है, तो जी जी मैंने होली का धुन थोड़ा सा रखा था। अरे तोहरे शासन में ऐसन भ्रष्टाचार है, ऐसन भ्रष्टाचार, तोहरे शासन में ऐसन भ्रष्टाचार, फ्लाई ओवर गिरेला बीच बाजार, बोलो हाय रे ए हाँ। अरे बांग्लादेशियन के स्वर्ग बंगाल हो स्वर्ग बंगाल, बांग्लादेशियन के स्वर्ग बंगाल, अपने लोगन के तू कैलू कंगाल, बोलो हाय रे ए हाँ। दीदी बंगाल के हो ही गईलू तू काल, बोलो सारा रा रा, बहुत सारे मैंने गीत लिखे हुए हैं, उस पर चर्चा नहीं हुई, तो लोगों को जी लगता है नेहा सिर्फ यूपी में काबा ही गा रही है। मैंने बहुत सारे बेरोजगारी के गीत गाए, मैंने महंगाई के गीत गाए, मैंने किसान गीत गाया, मैंने मौलिक अधिकारों के गीत गाए हुए हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है, तो अब मैं क्या नहीं, ऐसा करूँ, नहीं, सिर्फ उनपे चर्चा नहीं होती है, वो चर्चा होती है उनपे, उनको सुना भी जाता है, लोग उन्हें लाइक भी करते हैं, नहीं, अगर इसकी सब्सक्राइब चर्चा भी। होती, इस पे सुना जाता तो शायद आपका ये सवाल नहीं होता कि तुम सिर्फ जो है यूपी के लिए गा रही हो, तुम सिर्फ यूपी में काबा, अभी यूपी में चर्चा हो जाती है। मैंने यूपी के लिए, मेरा सवाल ये नहीं था, लोगों का सवाल रहा होगा, लेकिन मैंने आपसे सिर्फ यूपी का सवाल नहीं किया था, ये तो नोटिस की बात है कि नोटिस आपको यूपी में एक कानपुर देहात से आया है, अगर नोटिस बाकी गानों पर आता तो शायद उनकी चर्चा ज्यादा हो रही होती लोगों के मन में कि बेरोजगारी पर क्यों और महंगाई पर क्यों, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि भविष्य में आपकी क्या प्लानिंग है, क्या गीत आपके इसी धार के साथ चलते रहेंगे या कलम की धार में थोड़ी सी कमी आएगी? नहीं, बिल्कुल कमी नहीं आएगी, एकदम कमी नहीं आएगी, और मैं लोक गायिका हूँ, मैंने अपने लोगों से
अपने समाज के लोगों से एक वादा किया हुआ है कि कोई आपके साथ रहे ना रहे, मेरा गीत हमेशा आप लोगों के साथ रहेगा, उन लोगों के साथ रहेगा जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिनकी आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, जिनके साथ कोई नहीं है, उनके साथ नेहा सिंह राठौर का लोकगीत है और नेहा है। वाह, तो ये जो 3 दिन आपके खराब किए हैं पुलिस ने, एक तरीके से नोटिस के चक्कर में आपके पास बार बार कॉल आ रही हैं, या आप जो दिन किसी और क्रिएटिव काम में लगा सकती थी वो इस नोटिस के आपाधापी में निकले, इस पर आपका क्या टेक है? बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल पूछा, ये तो सवाल मुझसे कोई पूछा ही नहीं। आपको पता है जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ दिल्ली के, पुलिस के आने के बाद से यहाँ के गार्ड जो हैं मुझे और मेरे हस्बैंड को संदिग्ध नजर से देख रहे हैं, यहाँ के जो लोग जो रहते हैं वो हमें ऐसे देख रहे हैं हमने जैसे बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। चोर उचक्के रहते हैं कि अपनी सोसाइटी में ये पुलिस आ रहे हैं, इतने मीडिया के लोग आ रहे हैं, जरूर ये लोग कोई बदमाश लोग हैं, है ना। तो इसमें तो नहीं, हमारी ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ लोग, हो सकता है कुछ लोग ये भी इंतजार में बैठे हों कि शायद हमें सेल्फी मिल जाए इनके साथ। नहीं, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा। पहली बार तो ये पता है आपको, वो जब 8 बजे वो नोटिस वोटिस हमारे, तो पूरे के पूरे गार्ड मुझे और हिमांशु के, मैं देख रही थी, वैसे देख रहे थे ऐसे ऊपर से नीचे से देख रहे थे कि भैया ये लोग पता नहीं कौन लोग हैं, कौन लोग रहते हैं। वो सच बात उनकी आंखों में दिख रहा था, उनकी हरकतों में दिख रहा था, आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि कौन लोग हैं, ये तो बड़े विवादित लोग हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया इन लोगों को तो सोसाइटी में रहना नहीं चाहिए, तो बड़े विवादित लोग हैं। अरे तो ये चल रहा है, हाँ ये बात मतलब सही एक तरह है। से तो ये तो फिर आपके, मेरे ख्याल से आप इसकी भी तैयारी कर रही होंगी नोटिस में इन बातों को मेंशन करने की, क्योंकि आपको समाज में इस नजर से अगर देखा जाए लगे तो ये तो नोटिस का प्रभाव हुआ, क्योंकि उसके पहले तो आपको हमेशा सलाम के तौर पर देखा जाता है कि नेहा सिंह राठौर एक गायिका, लोक गायिका, इतने अच्छे गीत गाती हैं। नहीं, आप कह सकते हैं कि बदली तो है ही चीजें, मतलब प्रभावित तो हुई है नोटिस आने के बाद से चीजें, तो बिल्कुल जी कह सकते हैं। अच्छा, अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये अंतिम सवाल के 2 पार्ट में कर देता हूँ, पहले प्रीवियस उसमें चलते हैं, पार्ट 1 पे चलते हैं आपका, कि यूपी में काबा का जो आपका पहला गाना था, जैसे आपने कहा इलेक्शन से पहले आपने बंगाल में गाया, आपके लिए आपने गाया, लेकिन यूपी में काबा का पहला आपने शायद यूपी इलेक्शन से पहले गाया था, तो क्या ये उसका रिपरकशन तो नहीं है, उसका प्रभाव तो नहीं है कि उसका प्रभाव, जैसे मैं नहीं समझ पा रही हूँ उसका प्रभाव कैसे। उसका प्रभाव अब जाकर के लाइमलाइट में आया कि भाई वो दूसरा जब यूपी में काबा का पार्ट 2 आया तो एक नोटिस आपको थमा दिया गया जिसमें पार्ट 1 भी शामिल हो शायद। मुझे नहीं पता बस इसका क्या प्रभाव, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से चीजें होंगी, तो प्रभाव क्या होगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने तो बस ऐसे लिखा और गाया कि जिनके साथ गलत हुआ है मैं उनकी आवाज बनूं, मैंने बस इस उद्देश्य से गाया था कि जिनकी बात कोई नहीं सुन रहा है, जिनकी आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, कम से कम मेरा गीत उनकी आवाज जो है वो आगे तक बढ़े, मैंने बस यही सोचा था, और नहीं सोचा था कि ये भी इसका प्रभाव हो सकता है। ये मेरे लिए खुद ही शॉकिंग चीज है कि ये क्या हुआ है, ये क्यों हुआ है, मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ है। तो आपने कहा कि धार बनी रहेगी, तो मेरा आखिरी सवाल जो पार्ट है वो ये है कि यूपी में काबा का पार्ट 3 के लिए आपने क्या तैयारी की है, अगर है तो 2 लाइन जरा गुनगुना दीजिए। नहीं, अभी तो मैंने कोई तैयारी नहीं की हुई है, पिछले दिनों में लगातार मेरी जो ऊर्जा है, और ये लोग यही चाहते भी हैं कि इनकी ऊर्जा क्रिएटिव जगहों पे ना लग करके एक कोर्ट कचहरी का चक्कर काटे, तो अभी तो इन दिनों मैंने कुछ नया तैयार नहीं किया है। बाकी कोई दो राय नहीं है कि मैं आगे गीत नहीं गाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं लगातार गीत लिखती गाती रही, हर 2-3 दिन पे मैं कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ, और वो जी आगे भी करूंगी। अभी तो नहीं कुछ किया है, लेकिन आगे जरूर करूंगी, बहुत सारे मुद्दों पर मैं काम भी कर रही हूँ। शायद इन 3 दिनों के एक्सपीरियंस पे आप कुछ एक गीत बनाएंगी। और पता नहीं, अब देखिए वही होता है ना कि पता नहीं चलता है कब क्या हम लिख दें, हमें भी नहीं पता होता है। कई बार तो हम कलम जी कॉपी जी लेकर के बैठते हैं कि हम इस मुद्दे पे गीत लिखेंगे, और हम कुछ नहीं लिख पाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि बैठे हैं खा पी के मस्त और कलम उठाया और एक गीत लिख दिया, तो कई बार जी ये जी भी होता है। तो वो तो खैर एक दिमाग अगर फ्री फील करने का होता है, अच्छा महसूस कर रहा है तो कुछ अच्छा लिख दिया, तनावपूर्ण है तो क्या लिखेगा आदमी। अभी ये 2-3 दिन में मैं कौन सा गीत लिख दूं, देख रहे होंगे चेहरे पे मेरा वो स्ट्रेस दिख भी रहा होगा, लगातार सुबह से एकदम से इंटरव्यू में दे रही हूँ, सभी आ रहे हैं मुझसे पूछ रहे हैं, बोलते 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 खांसी सी हो गई है। तो आपसे मैं विदा लूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा साथ में जाते हुए कि आपको एक तो इन परेशानियों से जल्दी निजात मिले, ताकि फिर से आपका ये खिलखिलाता चेहरा दिखे और हमें गीत और सुनने को मिले, लेकिन जाते 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 चूंकि आपसे बातचीत है तो कुछ आपकी पसंदीदा 4 लाइनें।
अरे खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। काबा यूपी में काबा, अरे मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोलक के जिम्मेदार बा। काबा यूपी में काबा। वाह, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और मैं सारे दर्शकों से ये चाहूंगा कि वो लोग कमेंट करके बताएं कि उनको नेहा जी के ये गीत और उनकी ये बातचीत कैसी लगी। धन्यवाद। थैंक यू, बाय।